राधे राधे जय गौरी गोपाल जय श्रीमन्नारायण आज हम एक विशेष चर्चा लेकर आपके बीच में आए हैं कुछ लोगों को ना गलत फहमी हो गई है कि मैं बिग बॉस में चला गया अच्छा ये बताइए बिग बॉस में जाने वाले जो 18 लोग हैं क्या उन 18 लोगों में मेरा नाम है बिग बॉस तो तीन महीने का कार्यक्रम होता है तीन महीने के लिए उस घर के भीतर जाते हैं लोग और तीन महीने के लिए कैद हो जाते हैं जो जीतता है बाद में उसकी बातें होती हैं वो तीन महीने का बिग बॉस है मैं उन तीन महीनों में क्या एक दिन के लिए भी गया मैंने मना किया था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा। और मैं नहीं गया फिर आप कहेंगे कि आप बिग बॉस के मंच में दिखे हाँ जब मैंने मना कर दिया तरीके से कई बार पचासों बार मैंने कलर्स के ऑफ़र को बिग बॉस के ऑफ़र को मैंने ठुकराया कलर्स वालों ने कहा उनकी टीम ने कहा उस घर में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं जो 18 लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए तो मुझे अतिथि के रूप में मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में गया और मैंने बिग बॉस का हिस्सा नहीं बना मैं जाकर 18 लोग जो बिग बॉस के अंदर हैं वो बिग बॉस में गए हैं उसके भीतर जाने का मेरे पास ऑफ़र था उन्होंने कहा था कि आप एक महीने के लिए आ जाइए दो महीने के लिए आ जाइए मैंने मना किया कि मैं दो दिन के लिए भी नहीं आऊँगा मैंने मना कर दिया मैंने कहा बिग बॉस में मैं नहीं जाऊँगा जब मैंने सारे उनके ऑफ़र ठुकराए और मैं नहीं गया तब आखिरी में कलर्स वाले आखिरी में बिग बॉस की टीम ने कहा जो 18 लोग जो उस बिग बॉस का हिस्सा बनने जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे गेस्ट बन के हमारे अतिथि बनकर आ जाइए अब बताइए मैं क्या करता मुझे न्यूज वाले बुलाते हैं तो मैं न्यूज़ में जाता हूँ कोई अतिथि के रूप में यदि मुझे निमंत्रण देगा कि आप आइए दो घंटे के लिए हमारे सबको आशीर्वाद दीजिए कुछ अच्छी बातें कहिए तो जो बिग बॉस में जाने वाले जो लोग थे मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया मैंने उन्हें समझाया कि आपको किस तरह से संस्कारवान बन के रहना है उसकी कुछ झलकें आपने देखी भी होंगी यदि मेरे समझाने से कोई संस्कार का परिचय दे रहा है और आशीर्वाद लेने के लिए कोई मुझे बुलाए तो आप ही बताइए दो घंटे के लिए बिग बॉस का शो चलता है तीन महीने अभी भी चल रहा है लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बना अतिथि के रूप में मैं वहाँ गया चूँकि उन्होंने कहा कि आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए बार बार मेरे मना करने पर भी जब उन्होंने कहा तो आप ही बताइए क्या आशीर्वाद देने के लिए मुझे नहीं जाना चाहिए था कोई बार बार आपको बुलाए कि आप आइए आप आइए मैंने तो ये तक कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा बिग बॉस में मैंने मना कर दिया सब भक्तों को बोले बिग बॉस के लिए नहीं बुला रहे हैं अतिथि के लिए अतिथि बनकर जो बिग बॉस के अंदर जा रहे हैं उन अट्ठारह लोगों को आशीर्वाद देना है उनके साथ कुछ अच्छी बातें करनी है मैंने कहा ठीक है मेरी अच्छी बातें करने से यदि उनके संस्कार में बढ़ोतरी होती है तो मुझे जाना चाहिए ये तो एक पहलू हो गया प्रिय भक्तों, मैं आप सबका सेवक आप सबका दास हूँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए अच्छा ये बताइए यदि संत लोग अच्छी ही अच्छी जगह पर जाएं, मैं अच्छी जगह पर जाऊं जहां भक्त हैं जहां अच्छा वातावरण है मैं वहां ही जाऊं संत लोग वहाँ ही जाएं, तो जहाँ बुरे लोग हैं बुरा वातावरण है जब तक कोई अच्छा व्यक्ति बुरे वातावरण में नहीं पहुँचता तब तक बुरा वातावरण सही वातावरण में तब्दील नहीं होता आप बहुत समझदार हैं ये बताइए कि बच्चा यदि यदि कीचड़ में उलझ जाए कीचड़ में धस जाए दलदल में धस जाए मलमूत्र के कीचड़ में कोई बच्चा धंसा है तो क्या हमें जाकर के उस मलमूत्र के कीचड़ में जा के क्या उस बच्चे को नहीं बचाना चाहिए हम केवल अच्छी जगह जाएंगे पवित्र जगह जाएंगे दलदल में नहीं जाएंगे संत का काम ही है कि वो सब जगह जाए और बिगड़े को सही करे यदि मैं अच्छी ही अच्छी जगह जाऊँगा तो फिर बुरी जगह कौन जाएगा कौन बुरे आज बिग बॉस नाम का है जो शो है इसमें सारे यूथ सारे नौजवान भाई बहन जुड़े हैं यदि मैं वहाँ गया और वहाँ मैंने भगवद् गीता दी तो आखिर प्रचार तो भगवत गीता का हुआ ना यूथ तो ये समझेगा ना कि देखो भगवत गीता यहाँ बिग बॉस के जो मुखिया है उसको दी गई तो वो भी भगवत गीता की तरफ बढ़ेंगे यदि मेरे जाने से बिग बॉस की टीम ने कहा कि महाराज जी पहली बार इस प्लेटफॉर्म में सब ने राधे राधे बोलकर एंट्री मारी है यदि मेरे जाने से वो पूरा माहौल भाव से भर जाए तो मेरा जाना क्या गलत है और मैंने जाके वहाँ पर क्या किया सबको राधे राधे ही तो बुलवाया मैंने गीता ही तो दी मैंने कौन सा कोई गलत काम किया और संत अच्छी ही अच्छी जगह जाएंगे तो फिर गलत जगह जाकर कौन सुधारेगा कौन मार्गदर्शन करेगा एक संत ही घर घर जा कर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था जब शराबी शराब पी रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया हमें राधा नाम की भिक्षा दे दो शराबियों ने कुछ लोगों ने प्रहार किया तो लोगों ने कहा कि महाप्रभु आप इन शराबियों के पास क्यों गए शराबियों के बीच में क्यों गए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे जाने से यदि इनके मुंह से धोखे से भी राम राम निकल जाए राधे राधे निकल जाए तो ये नहीं जानते इनका उद्धार हो जाएगा ये भले मुझे अपमानित करें लात मारें लेकिन इनके मुंह से धोखे से भी राधा नाम निकल गया कृष्ण नाम निकल गया तो इन पापियों का इन पतितों का उद्धार हो जाएगा संत अच्छी जगह तो जाते हैं पर बुरी जगह कौन जाएगा कौन भटके हुए युवाओं को सही मार्ग दिखाएगा आज हर मजहब पंथ के लोग उस सीरियल को देखते हैं यदि मैं वहाँ जाकर गीता दे के आया तो आखिर हर मजहब पंथ के बीच में भगवद गीता का ही तो मान बढ़ा भगवान श्री कृष्ण का ही तो मान बढ़ा यदि मेरे जाने से मेरे कृष्ण का मान बढ़ता है राधा रानी का नाम लोगों की हॉटों पे आता है तो आप ही बताइए मेरा जाना सार्थक हुआ कि नहीं और आप चाहते हैं कि मैं अच्छी जगह जाऊं अच्छे लोगों में जाऊं गलत लोगों में ना जाऊं तो आप समझिएगा आज हमारे सनातन में धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है हमारे कुछ लोग अच्छी जगह तो जाते हैं पर गांव के आदिवासियों के बीच में कौन जा के बैठता है गांव के दलितों के पास कौन जा के बैठता है जब आप नहीं बैठेंगे तो मुसलमान ईसाई उनके पास बैठेंगे और वो उन्हें धर्म परिवर्तन में उलझा कर और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा देंगे तो हमें तो सबके पास जाना है जन जन तक जाना है और जा जाकर भगवद गीता देनी है जा जाके अपने धर्म का प्रचार करना है सबको राधे राधे बुलवा कर वहाँ पर अट्ठारह लोग जो बिग बॉस के अंदर गए मैंने उन्हें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया उन्होंने आशीर्वाद लिया कहा कि हम अब यहाँ से जाने के बाद हम जरूर वृंदावन आएंगे जरूर बिहारी जी का दर्शन करेंगे अब देखिए यदि मेरे जाने से मेरे समझाने से वो लोग भी यदि बिहारी जी से जुड़ने को तैयार हो गए यदि मेरे जाने से कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति गलत राह पर चलने वाला व्यक्ति शराबी व्यक्ति गलत राह पर चल करके अपना जीवन बिगाड़ने वाला व्यक्ति यदि सही राह पर चलने को मजबूर हो रहा है तो आप ही बताएं क्या मेरा जाना गलत है रही बात पैसों की लोग कह रहे हैं कि महाराज जी को पैसा मिला होगा भाई पैसा तो तब मिलता ना जब मैं बिग बॉस का वो अट्ठारह लोगों का हिस्सा बन करके जाता मैं तो वहाँ दो घंटे के लिए आशीर्वाद देने के लिए गया था और मैं तो न्यूज़ चैनल पर जाता हूँ दो दो घंटे की डिबेट होती है तो मैं न्यूज़ वालों से कोई पैसा थोड़ी लेता हूँ भाई मैं वहाँ गया उन्होंने बार बार मना करने पर भी जब कलर्स की टीम ने बुलाया बिग बॉस की टीम ने बुलाया तो मैंने वहाँ कहा ठीक है मैं अतिथि के रूप में एक से दो घंटे के लिए आऊँगा और मैं दो घंटे के लिए गया और मैं दो घंटे में कितना पैसा वो देंगे और मैं कितना ले लूँगा बात पैसों की नहीं है बात यह है कि मेरे जाने से आखिर पूरी दुनिया में वो यदि सीरियल देखा जाए पूरी दुनिया के लोग यदि उसे देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रचार किसका हुआ कि बंदे ने भगवत गीता दी प्रचार किसका हुआ राधे राधे का प्रचार हुआ सनातन का प्रचार हुआ इसलिए अपना दिल छोटा ना करिए बड़ा दिल रखिए और हम सबको सब जगह जाना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी जब आ, समुद्र पार करके विदेश की धरती पर गए तो भारत के कुछ लोगों ने विरोध किया था कि संतों को तो समुद्र पार नहीं करना चाहिए ये तो परंपरा नहीं है पर गए ना और सनातन का झंडा गाड़ के आए ना तो मैं भी वहाँ जाकर मैंने कौन सा बुरा काम किया मैंने किसको गाली दी क्या किसका अपमान किया मैंने तो वहाँ जाके अपने धर्म की बातें की मैंने अपने गीता की बातें की उन जो जाने वाले अट्ठारह लोग हैं जो युवा हैं जिन युवाओं को आज लाखों युवा देख भी रहे हैं उस प्रोग्राम में जाके अच्छी बातें करने से लाखों बच्चे जो गलत रास्ते पर हैं वो सही रास्ते पर आने के लिए मजबूर होंगे तो आप लोग दिल छोटा ना करें संतों का काम है दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए ना उसमें पिंगला को भी गुरु बनाया था कि वैश्या को गुरु बनाया था पिंगला को रोर भका तो पिंगला को गुरु बनाया तो वैश्याओं से भी तो सीखा हमारी ऋषियों ने और उन्हें भी गुरु का दर्जा दिया तो हम सबके बीच में जाकर अपने धर्म की बात रखें उनका असर हम पर ना हो पर हमारा असर उन पर जरूर होना चाहिए बिगड़ा हुआ व्यक्ति हमें बिगाड़ ना सके पर हम सुधर कर एक शराबी यदि चार को शराबी बना सकता है तो एक सुधरा हुआ व्यक्ति चार को सुधार क्यों नहीं सकता और गौरी गोपाल आश्रम की जितनी सेवाएं वहाँ उस भाई ने मेरे से सवाल किया कि वृंदावन में आप कहाँ रहते हैं क्या सेवा करते मैंने बताया कि गौरी गोपाल आश्रम में दो से अधिक माताएँ रहती हैं बच्चे पढ़ते हैं और उस व्यक्ति ने मेरे से कहा कि आप यहाँ आए हैं तो आपने यहाँ आने का कोई पैसा नहीं लिया मैंने कहा मैंने कोई चार्ज नहीं लिया कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने कहा कि आपने पैसा नहीं लिया आपको लेना चाहिए क्योंकि आपके पास वृद्ध माताएं हैं बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं अखंड रसोई चला रहे हैं उसके लिए तो पैसा लगता है मैंने कहा नहीं मैं पैसा इस तरह से किसी प्रकार से चार्ज नहीं करता किसी की श्रद्धा हो तो वो दे सकता है तो उन्होंने कहा कि आपको पैसा ज़रूर लेना चाहिए पर मैंने पैसा नहीं लिया और दो घंटे के लिए गया था मैं दो घंटे में कितना पैसा लेता आप ही बताएं और पैसा मायने नहीं रखता है ना और आप जो कहते हैं कि आप बिग बॉस में चले गए मैं बिग बॉस में नहीं गया बिग बॉस में तो जो अट्ठारह लोग गए थे वो अभी भी बिग बॉस के घर के भीतर हैं मैं बिग बॉस के भीतर नहीं गया आप लोग जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में चले गए बिग बॉस में वो जाता है जो उस दरवाजे के भीतर अट्ठारह लोग जो होते हैं ना उसके भीतर जो गया तीन महीने के लिए जो गया वो अंदर जाना होता है ये तो मैं अतिथि के रूप में जाकर और केवल सबको मैंने सही बातें की सबके मुंह से राधे राधे बुलवाया अब बताइए पत्थर पर लिखा गया राम तो पत्थर राम नाम से पत्थर पानी में तर गए एक नाम की कितनी महिमा है और मेरे जाने से वहाँ राधे राधे कितनी बार सबने बोला सबने बोला जितने वहाँ आए सबने कहा और सबने कहा कि मैं दर्शन करने बिहारी जी का जरूर आऊँगा अभी तक वो वृंदावन नहीं आए उनमें से कुछ लोग बोले अब हम आएंगे तो यदि मेरे जाने से कोई वृंदावन की तरफ खिंचता है कोई राधा रानी की तरफ खिंचता है और राधा रानी के चरणों में समर्पित होता है तो आप ही बताइए कि के मुझे केवल अच्छी जगह जाना चाहिए जहाँ बिगड़े लोग हैं समाज में संतों की कहाँ आवश्यकता है संतों की वहाँ ज़रूरत है जहाँ समाज बिगड़ चुकी है रास्ता भटक चुकी है वहाँ मैं जाऊँ और वहाँ बिगड़े हुए को भटके हुए को सही मार्ग पर लाऊँ प्रिय भक्तों आज हम भारत के सनातनियों के पास में बैठते अपने हिंदुओं के आसपास बैठते उनसे बातें करते तो क्या आज हमारे देश में धर्म परिवर्तन होता आज वो लोग भी जो बिग बॉस के अतिथि बनकर गए हैं अट्ठारह परिवार अट्ठारह लोग आज उन्हें यदि मैंने सही गाइड कर दिया सही रास्ता दिखा दिया तो वो सही रास्ते पर आते यदि मेरी जगह वहीं बैठकर कोई उन्हें गलत गाइड कर देता अन्य मजहब पंथों के प्रति बरगला देता भड़का देता तो वो अन्य मजहब पंथों की ओर भाग जाते तो मेरे जाने से यदि सनातन सनातन की ओर बढ़ रहा है तो क्या बुराई है इसलिए दिल छोटा ना करें संतों को सब जगह जाना चाहिए अच्छी जगह भी और बुरी जगह भी बुरी जगह संत नहीं जाएंगे शराबियों के पास जाओ सुधारो कि भाई तुम गलत कर रहे हो संत लोग सब जगह गए हैं इतिहास साक्षी है और सबको सुधारा है तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं सब जगह जाऊं और जहां मुझे जाना है मैं वहीं तो जाता हूं अंदर जाने का भी तो ऑफ़र था मैं नहीं गया क्योंकि मुझे लगा कि अंदर बिग बॉस के घर में जाना मुझे सही नहीं लगा तो मैं वहाँ नहीं गया पर जहाँ तक जाना सही था वहाँ तो मैं गया और जाना इसलिए कि मेरे जाने से यदि सबके मुंह से राधे राधे निकलता है धर्म का प्रचार होता है तो धर्म का प्रचार करना यदि गलत है तो बताइए मैं नहीं जाऊंगा यदि आप इतना छोटा दिल करेंगे आप कहेंगे कि महाराज जी को नहीं जाना चाहिए था ठीक है मैं नहीं जाता आज लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं शराब पी रहे हैं लिब्न में रह रहे हैं गलत रास्ते पर चल रहे हैं और मैं जा कर के उन्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ तो उसमें गलत क्या है मैं सही मार्ग नहीं दिखाऊँगा मैं बिगड़े हुए लोगों के बीच में नहीं जाऊँगा तो आप ही बताइए फिर बिगड़े हुए लोगों के बीच में कौन जाएगा कौन धर्म का प्रचार करेगा कौन अपनी बात सनातन की रखेगा इसलिए आप निश्चिंत रहिए आपका ये भाई आपका ये बेटा ये दास अनिरुद्ध सदा वही काम करेगा जिससे सनातन मजबूत होगा हम सब सनातन के सेवक हैं सनातन के रक्षक तो भगवान हैं ठीक है सब की रक्षा करने वाले भगवान हैं और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले भी भगवान हैं हम हम भगवान के छोटे से दास हैं और हमारे जाने से बिहारी जी की ओर लोग अग्रसर होते हैं बढ़ते हैं तो आप ही मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं जाकर मैंने सही किया या गलत किया यदि गलत किया तो फिर आपके हिसाब से संतों को गलत जगह नहीं जाना चाहिए तो फिर संत गलत जगह नहीं जाएंगे तो गलत लोग सुधरेंगे कैसे मैं सही सही जगह जाऊं अच्छी जगह जाऊं जहां सम्मान हो वहीं जाऊं अरे जहां अपमान है वहां भी तो जाऊं वहाँ भी तो जाकर अपने सनातनियों को लाऊँ कि भाई तुम कहाँ दलदल में घुस रहे हो तुम्हारा धर्म कुछ और है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह गीता में लिखा है अपने धर्म के लिए जीना चाहिए और अपने धर्म के लिए मर जाना चाहिए यदि मेरे जाने से मेरा सनातन मजबूत होता है तो मैं बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति के पास भी जाऊँगा और जाके उसे समझाऊँगा कि भाई तू गलत कर रहा चल सही रास्ते पर जो लोग गलत फहमी फैला रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया मैं बिग बॉस में नहीं गया मैं बिग बॉस के उस हिस्से को मैंने स्वीकार नहीं किया जिस हिस्से में अट्ठारह लोग घर के भीतर रहते हैं मैंने उस अतिथि के हिस्से को स्वीकार किया जहाँ मैंने सबको अच्छी बातों से प्रेरित किया और सबको आशीर्वाद दिया सबके मुँह से मैंने राधे राधे बुलवाया तो आप सबको मेरे बिग बॉस जाने से वैसे मैं बार बार कह रहा हूँ मैं बिग बॉस नहीं गया फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने बिग बॉस में जाके बड़ी गलती की तो मुझे ये बताएं कि क्या सनातन का प्रचार करना गलत है आज भगवत गीता मैंने उस व्यक्ति को दी तो भगवत गीता जब उन्होंने ली तो सनातन के सारे दुनिया के हर मजहब पंथ के लोगों ने नहीं देखा होगा कि अरे इस व्यक्ति ने गीता ली तो क्या गीता का ये प्रचार नहीं हो रहा है करोड़ों युवा अब गीता की ओर बढ़ेंगे तो यदि मेरी एक छोटी सी मेहनत छोटे से प्रयास से मैंने भी वहाँ गया तो कुछ सोच के गया होंगे ना मैं सोच के ही कुछ काम करता हूँ बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए काम बिगाड़े आपनों जग में होत हंसाए मैं कोई भी कार्य करता हूँ विचार जरूर करता हूँ लाख बार मैंने सोचा पूरी रात रात मैंने सोचा कि मैं जा तो रहा हूँ अतिथि बनकर मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ मुझे लगा कि नहीं मुझे जाकर जो सनातन से नहीं जुड़ा जो यूथ संतों का अपमान करता है संतों से घृणा करता है जब उस प्लेटफॉर्म पे उसने मुझे देखा यूथ ने जब देखा कि अरे बिग बॉस वालों ने तो एक संत को बुलाया जब कलर्स वालों को बिग बॉस वालों को एक संत की जरूरत अनिरुद्धाचार्य की ज़रूरत पड़ गई तो आप समझ सकते हैं कि अब हमारा देश बदल रहा है हमारी सनातन की शक्ति का लोहा दुनिया मान रही है कि सनातन का एक संत जब बिग बॉस के मंच पर जाता है तो सारी दुनिया की दृष्टि सनातन की ओर आ जाती है और भगवद् गीता की ओर आ जाती है तो मेरे जाने से सनातन प्रफुल्लित हुआ है सनातन लह लहाया है इसलिए दिल छोटा ना करें और दिल को बड़ा रखें मुझे सब जगह जाकर अपने धर्म की सेवा और रक्षा करने दें मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा आपका भाई आपका दास हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं आप जरूर क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सनातन का प्रचार करना है और मैं एक बार फिर आपसे कह दूँ करोड़ों बार क्षमा मांगूँगा परंतु एक बात फिर कहूँगा कि मैंने कहा था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊँगा मैं बिग बॉस में नहीं गया बिग बॉस के जो भीतर जाने वाले अतिथि हैं अट्ठारह मैं उसका हिस्सा नहीं रहा मैं आशीर्वाद देने केवल अतिथि के रूप में गया उस अतिथि के रूप में जाकर मैंने वहाँ भगवद गीता के बारे में सबको बताया मैंने वहाँ अच्छी बातें की यदि मेरे भगवद्गीता देने से यदि गीता का प्रचार करने से जितने लोग वहाँ आए सबने राधे राधे कहा यदि राधे राधे बोलने से मेरे द्वारा भगवद गीता देने से यदि किसी की आस्था आहत हुई है मेरे कोई सनातनी परेशान हुए मेरे बिग बॉस जाने से चूँकि मैं बार बार फिर कह दूँ कि मैं बिग बॉस गया नहीं अतिथि बना फिर भी किसी की भावना आहत हुई है तो बार बार करोड़ों बार ये दास क्षमा प्रार्थी है आप निश्चिंत रहें जब तक ये सांस रहेगी ना सनातन की ही बात करूँगा और सनातन की सेवा करूँगा सनातन के रक्षक तो भगवान हैं पर हम सब सेवक हैं तो मेरे से जो बन पड़ी मेरी जितनी बुद्धि है मेरी जितनी समझ है उस बुद्धि और समझ के अनुसार मुझे जो लगा कि मुझे वहाँ जाने से मेरे धर्म का प्रचार हो सकता है मेरी संस्कृति का प्रचार हो सकता है इसलिए मैं गया फिर भी यदि आपको वहाँ मुझे देख कर परेशानी हुई पीड़ा हुई कष्ट हुआ उसके लिए दास अनिरुद्ध करोड़ों बार आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी है करोड़ों बार क्षमा चाहता हूँ